आप कहाँ से आए हो? नेगमा। तुम? नेगमा। कहाँ से आए हो? नेगमा। हेलो दोस्तों, आज है दोज, भाई दोज तो सभी गए प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिरों पे, और हम जा रहे हैं आज मंदिर पे कन्या भोज कराने के लिए। तो मैं उठी थी आज 5 बजे, तो मैं बताती हूँ हमने क्या क्या बना लिया है खाने में। यहाँ पर देखिए हमारी बन गई है ये खीर, ये बन गई हमारी खीर, और यहाँ पर बन गई हमारी ये सब्जी, ये बन गई हमारी आलू छोले की सब्जी, और यहाँ पर लगा लिया ये मैंने आटा, और यहाँ पर तैयारी की जा रही है भगवान नहाने की। और देखिए गाइस हमने पैक कर लिया ये खाना, इधर इसमें रख लिए खीर, और इसमें रख लिए सब्जी, और इसमें रख लिए पूड़ियाँ, और बर्तन भी बन चुके हैं, वंदना के झाड़ू लग रहा है, और अब जाते हैं हम देवताओं के स्थान पर, फिर बताएंगे हम बाद में। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने वाले हैं नेगमा मंदिर में, और वहाँ पे कन्या भोज कराने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ बंदर लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने बंदर जैसी शक्ल बना रखी है। और यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे एक दुल्हन बैठ चुकी है, देखिए ये दुल्हन। दुल्हन आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं आज गाइस, ये दुल्हन ने पूरा ये खाना रख लिया है यहाँ पे, और हाँ ये नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है यहाँ पे, आ चुकी है भाभी, होने वाली नई नवेली दुल्हन है ना भाभी, और क्या होने वाली। तो चलिए चलते हैं मंदिर और आपको कराते हैं वहाँ पे दर्शन और दिखाते हैं वहाँ का कैसा व्यू है। मंदिर जाने से पहले यहाँ पे मम्मी खरीदने लगी हैं सब्जियाँ, देखिए यहाँ पे कितनी सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं, ताजी ताजी ककड़ी, बैंगन। मम्मी क्या खरीदने वाली है? आज नहीं ले रहे सब्जी, आज मंदिर जा रहे हैं ना, आज नहीं ले रहे सब्जी क्योंकि आज मंदिर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर और मिलते हैं आपको वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं कार में, ये ड्राइवर साहब, यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है और ये पीछे बैठे हुए हैं सब लोग। गाइस वंदना के नाक आ रही है और रुमाल नहीं है इसलिए हाथ लगा रखा है। हमारे साथ जाने वाली है मामी जी जो कि यहाँ खेत पर रहती हैं, हम इनको भी पिक करने वाले हैं, ये आने वाली हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये खेत पे, ये फार्म हाउस पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं और हम लोग इनका वेट कर रहे हैं। क्या इसमें हॉर्न है? आप हॉर्न का साउंड दे दो ताकि वो बाहर आ जाए। ये हॉर्न का साउंड दे दिए इनने और वो आने वाली है बाहर। देखो मैंने क्या बालों में ऑयल डाल रखा है, तो मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं करी बस। और वहाँ पे थोड़ी ना कोई मेहमान है, मंदिर जा रहा है, मंदिर पे थोड़ी ना कोई अच्छे से तैयार होके जाओ। सही बात है, कैसा मजा कर रही है। गाइस वंदना के आंसू आ रहे हैं क्योंकि राकेश ने उड़ा दिया है मजाक वंदना का। वंदना को गल फुल्लो लड़ुआ पत्थर डिबिया न जाने क्या क्या बोल दिया, इसलिए वंदना को रोना आ रहा है। दोस्तों आप कमेंट में बोलिए, क्या बताइए क्या वंदना इतनी बुरी लगती है? आज कम तुम से मैं बता ही बंदन ले ओ पता ही नहीं मैं कोई मैं बोल सही हां राजू जो यहां पे बैठ चुकी है मामी जी। मामी जी दो शब्द बोलिए, मंदिर के बारे में कुछ बोलिए। कैसा लग रहा है? जा रही हो आप कार में बैठी हो, इतनी बड़ी कार में ऑडी में बैठी हो, अच्छा लग रहा है? सब लोग उतर गए हैं गाड़ी पे से और देवतन के स्थान पर आ गए हैं और चलते हैं आगे भगवान जी के पास। तो चलिए आपको एक बार बाहर का व्यू दिखाते हैं मंदिर का। ये देखिए यहाँ पे वो रहा मंदिर और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। ये जो मंदिर है वो घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस पास में ही है, शायद 2 या 3 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और सभी लोग प्रसाद नारियल अगरबत्ती ये सब चढ़ाने लगाने में लगे हुए हैं। और हम लोग आपको साइड का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग नंगे पैर चल रहे हैं और बहुत सारा कूड़ा कचरा और पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, और इमली का पेड़ भी लगा हुआ है जो कि इमली मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए इनको इमली मिल गई है एक, थैंक यू। ये रहा इमली का पेड़, देखिए ये रहा इमली का पेड़, एक और दिख गई मुझे ये रही। भाभी को कैसी लगती है इमली? अच्छी लगती है। ये लो, ठीक ठाक ठीक ठाक, ज्यादा नहीं खाते तो बोलो बोलो अच्छे से खड़े हो, देख के कैमरे में देख के बनाना। देख सकते हैं गाइस यहाँ कथा में आए हुए हैं, मम्मी और पापा जी हवन सामग्री की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे नटखट राकेश जी सबको पानी सर्व कर रहे हैं बहुत जोर से, और ये मिस वंदना अचानक से आकर हमको सरप्राइज कर दिया। ये हमारे डिप्टी कलेक्टर साहब, डिप्टी भाभी दिखा दो, डिप्टी भाभी से मिल लियो आप।
हॉस्पिटल में कहीं डिप्टी कलेक्टर डाल रहे हैं डिप्टी पर हेलो मामी जी, ये मामा जी हैं। अभी देख लीजिए आप इन सबको रंगीन कर देंगे हम, इतना बहुत सारा कलर लेके आए मथुरा से। बहुत अच्छी होली मचने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे कन्या भोजन हो रहा है, कन्या भोजन के बाद तिलक कर रही है दीदी। दोस्तों काफी प्रसिद्ध मंदिर है ये, आप देख सकते हैं लोग दूर दूर से शादी के लिए आते हैं। शादी कोई शादी हो रही है, कब बना रहा है? देख सकते हैं यहाँ राकेश आया है, जल्दी से इनकी शादी की मनोकामना पूरी होगी। ये भी अपनी शादी की मन्नत लेके आई है। भाभी डिप्टी कलेक्टर साहब के लिए मन्नत लेके आई है, जल्दी से प्रमोशन हो जाए, कलेक्टर साहब बन जाए। भैया जो हमारी मामी है ये सबके लिए प्रेम से खाना बना के लाई है, देख सकते हैं सभी आप लोग। ये बेटी है गांव की मोड़ी। कई लोग दूर दूर से अलग अलग देश विदेश राज्यों से आते हैं अपनी मन्नत को लेकर। सोनम आप कौन सी मन्नत को लेकर आई हैं? आप मन्नत बताते नहीं है, प्राइवेट रखते हैं उसको। अच्छा, महाराज ने बता दिया आपको? महाराज ने बता दिया है। हाँ। अच्छे तो कर ले। यहाँ पे दिया जा रहा है चिन्ना अमृत, चिन्ना अमृत, चंदा अमृत, चरणामृत। ये एक प्यारी सी बच्ची को भी दिया। आप नहीं ले रहे हो? ले लो, देखो चरणामृत दे रहा है। कोर्स का मानना ही है। हाँ, पैसे शीज आस्किंग मनी, शीज आस्किंग फॉर मनी। नो, अब गाइज हम लोग जा रहे हैं पेट पूजा के लिए, इमली के नीचे कन्या भोज कराने। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले गई हुई थी वहाँ पे, वहीं पे वापस जा रहे हैं। यहाँ पे बिछा रहे हैं तिरपाल सब लोगों को बैठने के लिए। यहाँ पे वंदना सी इज गोइंग टू, ये सही है, वो गंदी हो रही नीचे। हाँ, कुछ। और यहाँ पे देख सकते हैं कन्याएं बैठ चुकी हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कन्याओं को। यहाँ पर बैठ चुकी है कन्याएं बहुत सारी। चलिए पूछते हैं कहाँ से आई, आप कहाँ से आए हो? नेगमा। तुम? नेगमा। कहाँ से आए हो? नेगमा। आप भी नेगमा? ये सब लोग नेगमा से आए हैं। यहाँ पे वेटर लगे हुए हैं हलवाई वो करने, सर्व करने। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई शिवलिंग के पास में, इस पे यहाँ पे खाना वगैरह निकालने लग रही हैं। और वहाँ पे था मंदिर, और यहाँ पे भैया बैठ चुके हैं, इनको लग रही थी बहुत तेज भूख, बहुत तेज भूख लग चुकी है सुबह से। आज सोनम ने बनाया खाना तो एक नंबर लगा, टेस्टी। भाभी को कैसा लगा? टेस्टी। क्या सबसे अच्छा लगा? खीर की पूड़ी। खीर पूड़ी, पूड़ी तो पूड़ी होती है, पूड़ी क्या अच्छी लगती है, सब्जी या खीर ये अच्छी लगती है। सोनम सोई रही थी, सोनम मम्मी ने खाना बनाया है। और का सोनम कैसा है? सोनम सोबे लग रही थी, सच्चाई आ गई सामने। हां, खाना वाना सब हो चुका है और अब हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, निकलने वाले हैं घर के लिए। देखिए कितना प्यारा व्यू है, जब बरसात में एक नंबर लगता है। यहाँ पे पूरा हरा भरा हो जाता है बरसात।